देखिए, आज हम चर्चा करेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विशेषता, साइलेंट फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, द सिक मैन ऑफ एशिया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों द्वारा उसका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया गया और उसे पूरब का तरबूज समझते थे। किंतु साम्यवादी क्रांति 1949 के बाद विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। आज न्यूक्लियर भौतिक के क्षेत्र में चीन पश्चिमी देशों के साथ बराबरी पे है। चीन की अर्थव्यवस्था 13% की दर से छलांग लगा रही है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में अच्छी। चीन के पास 450 परमाणु हथियार हैं। इतनी बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति कोई भी पड़ोसी देश बैर लेना मोल लेना नहीं चाहता। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इसकी चीन की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में 1945 से लेकर और 1989 तक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही, और इस शीत युद्ध की परिस्थिति में विश्व में दो महाशक्ति सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का आपस में अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर उनमें एक तनावपूर्ण स्थिति रही। और ऐसी परिस्थिति में चीन एक तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा। साम्यवादी क्रांति जो 1949 में चीन में जो हुई, उससे चीन की गणना विश्व की पांच महाशक्ति में होने लगी। चीन एक शक्तिशाली, यानी चीन साम्यवादियों का एक गढ़ था और एक शक्तिशाली और एक सुसंगठित चीन का एक अभूत हुआ। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद में चीन एक तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर के आया। नवीन शक्ति संतुलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संसार का एकमात्र साम्यवादी देश सोवियत संघ था, और दूसरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले नए तथा रूस के बाद सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले देश चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। पूर्वी जर्मनी, यूरोप के सोवियत पक्षवादी जैसे पूर्वी जर्मनी है, उत्तरी कोरिया है, मंगोलिया है, ये ऐसे देश हैं जो चीन के गुट में सम्मिलित हो गए। सोवियत संघ के पास में 94,49,00,000 जनसंख्या था, 1,35,00,000 19,159 वर्ग मील का क्षेत्र था। यानी विश्व संतुलन में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गुट है उसके विरोध में सोवियत संघ के गुट में चीन का आना एक शक्ति संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यानी हम कह सकते हैं कि चीन तीसरी महाशक्ति के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, चीन नवीन शक्ति संतुलन के रूप में इसका उदय हुआ, और अमेरिका नीति की विफलता यानी साम्यवादी चीन की जो सफलता संयुक्त राज्य अमेरिका की कूटनीति की बहुत बड़ी विफलता थी। यानी जापान की विजय के बाद उसने 14 करोड़ 15 लाख डॉलर के जहाज दिए और 70 करोड़ डॉलर उधार पट्टे के अंतर्गत दिए, जो अमेरिका द्वारा जो सहायता प्रदान की गई। इसके बाद से 1948 के बाद से चीन के कानून के अनुसार 12 करोड़ डॉलर अनुदान दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका नीति की एक विफलता, अमेरिका ने जितना सोवियत संघ के साथ विरोध को चीन में जब से साम्यवादी क्रांति की उत्पन्न हुई और ये चीन के बढ़ते हुए प्रभाव, ये अमेरिका की एक कूटनीति का बहुत बड़ी विफलता है। पश्चिमी गुटों की नीति में बुनियादी परिवर्तन, इसके तहत जैसे एशिया में कम्युनिस्ट के प्रचार को रोकने के लिए अमेरिका ने सैनिक संधियां स्थापित करनी, जैसे सीटो जैसी संधियां स्थापित की। अमेरिका ने फार्मोसा में चांगकाई सरकार की रक्षा को अपना उत्तरदायित्व मान लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत तथा जापान के उद्योग धंधे विकास के लिए तथा उन्हें लोकतंत्र दुर्ग बनाने के लिए उद्योग धंधे के विकास के लिए एक तरह से सहायता प्रदान करना। अमेरिका द्वारा सैनिक संधियां, जितनी भी सैनिक संधियां थी वो चीन के लिए, क्योंकि अमेरिका ने जितनी भी सीटो, नाटो, सेंटो, एनजीएस, ये जिस प्रकार की सैनिक संधियां की, उससे चीन का जो जुखा हुआ है वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो सोवियत संघ की तरफ चीन का ज्यादा रहा। अब इसके बाद सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप, सोवियत संघ के लिए चीन में साम्यवादियों की विजय एक वरदान और अभिशाप दोनों थी, कि
कि जब से चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई वो सोवियत संघ के लिए एक लाभदायक थी, और इसके साथ ही साम्यवादियों की विजय से साम्यवादी चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका विरोध भी किया, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में, परंतु सोवियत संघ ने उसका भरपूर सहयोग किया और ये सोवियत संघ के लिए एक वरदान हुआ। चीन जैसे एक बहुत ही विशाल देश, जनसंख्या वाले देश में अगर साम्यवादी, तो चीन के रूप में एक सोवियत संघ को एक मित्र राष्ट्र मिला। इसके बाद में संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव। पामर और परकिंस ने कहा कि चीन में साम्यवादी क्रांति का संपूर्ण एशिया पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। चीन में साम्यवादी क्रांति से एक ओर एशिया अफ्रीका राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया तो दूसरी ओर एशियाई विकास के मार्ग को भी अवरुद्ध किया। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया और अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण बनाने का सतत प्रयत्न किया, और आज भी भारत और चीन की बहुत अच्छे संबंध नहीं है, परंतु एशिया में आज चीन का एक बढ़ता हुआ प्रभाव है, और इसका मुख्य कारण है कि चाइना में साम्यवादी क्रांति का नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उदय होना। ये भी देखिए 1971 में साम्यवादी चीन अमेरिका के विरोध के बाद 1971 तक साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए प्रयत्न विफल रहे, और जो एक तरह से हम कह सकते फार्मोसा टापू और ताइपे नगर को चीनी गणराज्य की राजधानी घोषित किया गया। 13,857 वर्ग मील का टापू चीन के तट से 102, इसमें फार्मोसा, जलडमरू, ये छोटे जो 48 छोटे द्वीप हैं, और इन सभी द्वीपों का चीन का अधिकार था। तो साम्यवादी चीन ने अधिकांशतः अपने जो अधिकार क्षेत्र के जितने भी जो प्रदेश हैं उसमें अपना अधिकार कर लिए, यानी हम कह सकते हैं कि चाइना की जो नीति। इसके बाद में पूरी और दक्षिणी एशिया की राजनीति का प्रभाव, चीन में पूरी और दक्षिणी एशिया की राजनीति का भी प्रभाव पड़ा है, और पूरी और दक्षिणी पूरी एशिया की जो राजनीति चीनी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव है, और अमेरिका और चीन एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी हो गए। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तेजी बढ़ते हुए चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर कब्जा किया, और इसके बाद में इनकी जो GDP दर है वो भी 11.1% रही है। तो 2000 अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है चाइना GDP की दर में। तो ये आज हम लोग चाइना की विदेश नीति की जो विशेषताओं का वर्णन जो आपके सामने किया, और देखिए चीन की साम्यवादी चीन की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। एक तो चीन की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करना, चीन को एक महाशक्ति तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना, एशिया में अपना प्रभुत्व कायम रखना, एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना, साम्यवादी शक्तियों विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध में साम्यवादी देशों का सहयोग करना, प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों और संपत्ति की रक्षा करना, चीनी सीमाओं का विस्तार करना, सोवियत संघ तथा रूस के प्रभाव क्षेत्र काटना, और चीनी राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। ये चीन की विदेश नीति यानी मुख्य उद्देश्य था कि साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को, साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना चीन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य।